अब हम बात कर रहे हैं लास्ट हमारी जो टर्नओवर रेशो है, एक्टिविटी रेशो है उसकी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल तो हमें पता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, कैश फ्लो में बहुत बार डिस्कस करेंगे। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वो याद रखना है। वर्किंग कैपिटल टर्न किस में होगी, पैसा किस में टर्न होगा? टर्न होगा या तो सेल्स में या तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में, बेसिकली या तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में टर्न होगा या सेल्स में टर्न होगा। सी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, ये आपके ऊपर है, ठीक है। दोनों ही जगह कॉस्ट भी ले सकते हो, सेल्स भी ले सकते हो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। दोनों दिए हो तो क्या करें, ऐसा नहीं होगा, आपको एक ही दिया होगा, डोंट वरी, या तो कॉस्ट दिया होगा या तो सेल्स दिया होगा। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल एसेट दिया हुआ है, मतलब करंट एसेट दिया हुआ है, नॉट टोटल, उसका छोटा सा पार्ट दिया हुआ है करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी भी दी हुई है, तो इससे तो हमारा निकल जाएगा क्या, वर्किंग कैपिटल। इसको हमें माइनस करना है, 12 लाख माइनस 2 लाख 40, इजी हो गया ये तो, 9 लाख 60 थाउजेंड हमारा हो गया है वर्किंग कैपिटल। चलिए ये तो समझ में आ गया, पहले से ही पता चल गया। सेल्स दी है, टोटल दी है, फिर कैश दी है, फिर सेल्स रिटर्न दी है, अब क्या करें, कितना माइनस करें, कैसे करें। यहाँ पे आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना है, नेट लेना है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट लेना है, तो मतलब टोटल सेल्स में से हमें सेल्स रिटर्न को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्रेडिट या कैश का कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो वे आउट कि हम कैश या क्रेडिट को कुछ लें, क्योंकि वर्किंग कैपिटल है। यहाँ पे सिंपल सेल्स देखनी है, तो 24 लाख डायरेक्टली 60,000 माइनस कर दो आपका डायरेक्टली, क्योंकि टोटल में तो कैश क्रेडिट सब आ गया, हमको क्या चाहिए, नेट सेल्स। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं नेट सेल्स क्या होगा, 24 लाख माइनस 60,000, ठीक है, तो ये हो रहा है हमारा 23 लाख 40,000। सिंपल है, सीधा सीधा फॉर्मूला में डाल देते हैं, इजीली आ जाएगा आंसर। चलो फॉर्मूला में डालें, क्या है फॉर्मूला, जो हमारी नेट सेल्स है दैट इज 23 लाख 40,000 डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल जो हमने निकाला है 9 लाख 60,000। चलो कट कर देते हैं, यहाँ से ये कट हो गया, 0 0 कट हो गए, 2 से कट हो रहा है, चलो 2 से कर लेते हैं, 4 8 1 1 7। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्या हमारा ये 3 से कट रहा है, यस, 3 3 जा 3 9 जा 3 1 6, 39 डिवाइडेड बाय 16 क्या आप कट रहा है, नहीं, 32 पे तो आ जाता है, 2 पॉइंट आ जाएगा, 32 2 हो गया, 70, ठीक है, 70 तो हो जाएगा 4 पे जाएगा, 2.4 टाइम्स, ठीक है, 244 टाइम्स हो जाएगा, 2.4 टाइम्स, ध्यान रखना। अब यहाँ पे कोई पीरियड नहीं निकालना है, जैसे रिसीवेबल में पेएबल में निकालना था, यहाँ पे कोई पीरियड नहीं निकालना है, ध्यान रखना है। यहाँ पे कैश क्रेडिट का कोई लूचा नहीं है, कोई अलग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्या है, टोटल में से आप रिटर्न माइनस करो सो दैट यू कैन कम टू नेट, नेट वाला वैल्यू, नेट तो चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे वाले में, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कॉस्ट डायरेक्टली दे दी, ठीक है, करंट एसेट्स दिए, करंट लायबिलिटी दी, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी तो बहुत इजी है, ये तो दोनों को माइनस कर देंगे हम, तो हमें मिल जाएगी वर्किंग कैपिटल, इसको माइनस किया तो 25,000 वर्किंग कैपिटल मिल गई, इजी है, फिर तो फॉर्मूला में डाल दो, सिंपल, कुछ है ही नहीं। फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट 2,50,000 डिवाइडेड बाय 25,000, ये का 10 टाइम्स, यस 10 टाइम्स, तो हमारी वर्किंग कैपिटल टर्न होती है कॉस्ट में 10 टाइम्स, तो इट्स गुड, ठीक है। तो जितने ज़्यादा हो उतना अच्छा है, उतना ज़्यादा टर्न होता है आपका, आपके साइकिल में, आपके बिजनेस में उतना ही जल्दी पैसा आता है, आता जाता रहता है, तो इट्स गुड, ठीक है। तो ये आपको पता चला वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। एक और सम कर लेते हैं लास्ट, तो आपको वर्किंग कैपिटल ईजीली हो जाएगा, बस यही है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर सेल होनी चाहिए, जो भी आपको मिले उससे आप वर्किंग कैपिटल टर्नओवर पे जा सकते हो। एक और सम करते हैं इसका, फिर हम चलेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे।
एक और सम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का, जिसके अंदर थोड़ी सी डिटेल्स ज़्यादा हैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या डिटेल है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये तो हमें चाहिए ही, न्यूमेरेटर ही वही है। डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए क्या क्या चाहिए? करंट एसेट चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए। अरे करंट एसेट तो दिख रहा है बट करंट लायबिलिटी नहीं दिख रहा है, क्या करें, कैसे करें? चलो देखते हैं। टोटल एसेट दिया हुआ है, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी दी हुई है, ये भी ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है। अब मैं इसको कैसे रिलेट करूं? मुझे पता है कि टोटल एसेट इज ऑल्सो इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, सबको पता है टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी के तीन पार्ट होते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। तो हम क्या करेंगे? अरे ईजी हो गया ना, सी करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू, जो टोटल एसेट है वही हमारा टोटल लायबिलिटी है, यस, उसमें से आप माइनस कर दो नॉन करंट लायबिलिटी 4 लाख, शेयर होल्डर्स फंड 2 लाख, दोनों ही चीजें माइनस कर दी तो क्या बचा? ऑब्वियसली करंट लायबिलिटी बचा, तो दिस इज 2 लाख हमारा करंट लायबिलिटी भी आ गया। चलिए करंट एसेट तो ऑलरेडी हमारे पास है ही 5 लाख, तो हम वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 5 लाख जो ऊपर दिया हुआ है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कितनी अभी तो निकाली हमने करंट लायबिलिटी, कितनी है 2 लाख, यस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 लाख, कितना आ गया हमारा आंसर 3 लाख, यस। तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल हो गया। अब इस वर्किंग कैपिटल को हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला में। फॉर्मूला के अंदर क्या यूज़ करें? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यस, यहाँ लिख रही हूँ मैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 21 लाख, क्लियरली गिवन, एंड देन वर्किंग कैपिटल 3 लाख, क्लियरली गिवन, ठीक है, जीरोज कट हो जाते हैं 7, यस वी गॉट आवर आंसर 7 times, ईजी है। तो क्या चीज़ चेंज हुई इस क्वेश्चन के अंदर? क्या चीज़ चेंज आया? सिर्फ इतना कि टोटल एसेट दिया है वही टोटल लायबिलिटी है, और लायबिलिटी के दो पार्ट दे दिए अदर देन करंट लायबिलिटी, तो हमने टोटल लायबिलिटी में से ये दोनों हटा दिए, हमें करंट लायबिलिटी मिल गई। करंट लायबिलिटी मिल गई, करंट एसेट ऑलरेडी है, वर्किंग कैपिटल आ गया, वर्किंग कैपिटल है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स है, तो उससे हमने अपनी रेशियो निकाल ली 7 times। सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल और कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, ध्यान रखना है। या तो सेल्स दिया हो तो भी आप वर्किंग कैपिटल से डिवाइड करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो तो भी वर्किंग कैपिटल से डिवाइड करोगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भूलना नहीं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, पूरी रेशियो फॉर्मूलाज पे ही है, ठीक है, फॉर्मूलाज तो लर्न करने ही पड़ेंगे, अलग से लिख लो, एक पर्टिकुलर पेज बना लो तो आपको इजी रहेगा। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये हमारी लास्ट रेशियो थी एक्टिविटी की, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, अब हम करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो।